जय सी एल सी, मेरा नाम किस्मत सांगवान है। मैं 2 साल से सी एल सी में पढ़ रही हूँ। मैं जब यहाँ स्टार्टिंग में आई तब क्लासेस की स्टार्ट हो चुकी थी, तो मेरा थोड़ा सिलेबस पीछे रह चुका था। तो फिर मैं घबरा गई थी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो मैं बोस के पास गई थी, बोस ने कहा कि कोई नहीं, अभी बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, हो जाएगा। पिछले साल स्कोर था 590, इस साल है 655 और मेरा सिलेक्शन हो गया। सी एल सी में कैंप लगते हैं रात को, तो उसमें क्या होता है कि पढ़ने में आसानी हो जाती है, असेंबली होती है वहाँ पे, मोटिवेशन मिल जाता है, सर मोटिवेट करते रहते हैं बार बार। सबसे पहले तो मैं शरवण जी का और उनके पूरे स्टाफ का जो है आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी टीम तैयार करके और एक ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे पढ़ के आते हैं और उनको एक बहुत अच्छा मुकाम तैयार करके और बहुत ही हाई लेवल पर ले जा करके बच्चों को जो है करते हैं। मेरी बिटिया ग्रामीण आंचल से पढ़ी हुई है, गांव में ही स्कूल है एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी के नाम से, वहाँ से इसने स्कूलिंग की थी और फिर उसके बाद ये सी एल सी में इसको एडमिशन करवाया गया। तो सरवण जी से बात हुई, सरवण जी ने इसका स्कोर देखा, सारी चीज़ें देख करके, और फिर सरवण जी ने बताया कि नहीं बच्ची जो है 101% जो है सिलेक्शन देगी। तब बच्ची यहाँ रही, स्टार्टिंग में बच्ची घबराती थी क्योंकि कुछ ये एडमिशन इसका लेट हुआ था, ये दिसंबर के आसपास जा करके इसने एडमिशन लिया था। और उसके बाद भी जो है सी एल सी टीम ने बताया कि नहीं सर बच्ची बहुत अच्छा स्कोर करेगी, तो ये बच्ची कंटिन्यू लगी रही और लास्ट में आकर के मार्च में आकर के कुछ जैसे इसकी तबीयत डाउन हो गई थी, यहाँ मतलब खाना खाना शूट नहीं हो पा रहा था इसको, तो फिर उस समय पे हमें इसको यहाँ से घर ले जाना पड़ा। और घर ले जाने के बाद भी शरवण जी मेरे से हर वीक जो है फ़ोन पे बात करते थे, इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाई, ऑफलाइन भी वो जो है मेरी मेल आईडी पे भेजते थे कि बच्ची को भी घर पे करवाओ, और समय समय पे अपडेट लेते रहते थे। तो मैं सी एल सी परिवार का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और मेरी शुभकामनाएँ हैं। जय सी एल सी, जय हिंद, धन्यवाद।